कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इसका सातवां भाग था x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। आइए हम इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये 5 इस पूरी टर्म के साथ, देखिए 4 इसके साथ गुना हो रहा है, तो ये 5 इस पूरी टर्म के साथ भाग हो रहा है। जब ये उधर जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, ठीक है। जब ये 5 इधर जाएगा, यहाँ भाग हो रहा है, बराबर को क्रॉस करेगा तो इसका निशान बदल जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो जब 5 एक्स के साथ गुना होगा तो ये बन जाएगा 5 एक्स बराबर, और भाग बराबर के इस तरफ ये 4 इस ब्रैकेट से गुना हो रहा है, इसका मतलब ये 4 पहले नंबर से भी गुना होगा और दूसरे नंबर से भी गुना होगा। ऐसे हम बहुत से प्रश्न हमने पहले भी किए हैं। तो जब 4 को x से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, 4 को 10 से गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40, ठीक है जी। अब x का मान निकालने के लिए सारी x वाली रकमें एक तरफ और बिना x वाली रकमें दूसरी तरफ करनी होती है। तो मैं ये बीच में बराबर का निशान है, 5x यहाँ पहले से है, ये 4x है, इसको उधर ले जाते हैं 5x के पास। तो ये 4x यहाँ प्लस का है, इसके साथ कोई निशान नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। जब ये उधर जाएगा तो इसका निशान हो जाएगा माइनस, यानी ये हो जाएगा माइनस 4x, और यहाँ पर 4x उधर चला गया, बाकी बच गया है 40। अब 5x में से 4x निकाला तो आया 1x, यानी x बराबर यहाँ है 40, और कुछ है ही नहीं। इसका मतलब हमारा जो x का मान आया है वो आ गया है 40, वो आ गया है 40। अब हमें साथ के साथ अपने उत्तर की जांच भी करनी है, साथ के साथ हमें अपने उत्तर की जांच करके देखना है कि क्या हमने जो उत्तर निकाला वो सही है या नहीं है। आइए देखते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न था उसे दोबारा लिखेंगे, x बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। हम इसे हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, x की वैल्यू आई है 40, तो इस प्रश्न में जहां भी x है वहां 40 लिख देंगे। देखो यहां x है और यहां x है, तो x की जगह लिखो 40 बराबर, यहां है 4/5 गुना x की जगह लिखा 40 प्लस 10। अब यहां तो लेफ्ट साइड पर तो है 40, और यहां देखो क्या बन गया, 4/5, बीच में कोई निशान नहीं होता, इसका मतलब ये गुना होता है, और यहां आ गया 40 प्लस 10, 40 और 10 होते हैं 50। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को काटेंगे, 5 कट जाएगा 50 के टेबल पे, 5 दाहे 10, दाहे 50 सॉरी। इसके बाद देखिए यहां है 40 बराबर, यहां आ गया 4 × 10, 4 × 10 होता है 40। तो देखो हमारी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब अतः हमारा उत्तर सही है। यदि बराबर नहीं आती इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई गलती की है और उसे हम ठीक करते। तो इस प्रकार से देखिए हमने इस प्रश्न को हल किया, x का मान आया 40, जांच करने पर हमने देखा लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर आई, इसका मतलब हमारा जो उत्तर है वो सही है। आइए हम इसका एक और भाग देखते हैं। अब हम इसका आठवां भाग देख रहे हैं। आठवां भाग है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। अब हम इसे हल करेंगे। हल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो x वाली रकमें हैं वो एक तरफ ले जाएंगे, बिना x वाली जो रकमें हैं वो दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो देखिए ये है, ये बीच में बराबर का निशान है, इसको ऐसे रहने देते हैं। यहां है 2x/3, x वाली रकम ये तो नहीं है, ये है x वाली रकम 7x/15, इसके साथ कोई निशान नहीं है यानी प्लस। जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये निशान माइनस में चेंज हो जाएगा, तो ये बन गया -7x/15। अब यहां 3 ये पहले से यहां है, ये प्लस 1 है, जब ये उधर जाएगा तो इसका निशान, बराबर को जब भी क्रॉस करेंगे तो निशान बदलेगा, प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, गुना भाग में, भाग गुना में। अब ये प्लस 1 है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। अब देखो राइट हैंड साइड पे तो बड़ा आसान है, 3 में से 1 निकाले 2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड ये भिन्न है, इन्हें माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी हरों का लघुत्तम लेते हैं। एक हर है 3, दूसरी हर है
15। देखो ये वाली हर है 3 और ये हर है 15, ठीक है। तो 3 और 15 का हम लघुत्तम लेकर देखेंगे। 3 15, 3 के पहाड़े में सबसे पहले 3 एकम 3, 15 3 के पहाड़े में जाएगा, 5 ये 15, यहां एक आ गया यहां नहीं आया, ये 5 के पहाड़े में जाएगा, एक को ऐसे लिख देंगे और ये आ गया 5 एकम 5। तो लघुत्तम यानी एलसीएम कितना आ गया, इन दोनों को गुना कर देंगे 3 गुना 5, तो 3 5 सॉरी 3 गुना 5 लघुत्तम आता है, ठीक है। तो 3 5 होता है 15। इसका मतलब यह है कि इन दोनों नंबरों का जो एलसीएम आया है वो 15 आया है। यही एलसीएम हम यहां पर इसकी हर के रूप में लिखते हैं। अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को नीचे वाले नंबर से भाग करेंगे, जो उत्तर आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से गुना करेंगे। देखो 15 को 3 से भाग किया 5, 5 को ऊपर 2x से गुना किया, 5 दूनी 10 और साथ में x, 10x, आगे माइनस का निशान है तो माइनस। दोबारा 15 को नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 15 को 15 से भाग किया 1, 1 को 7x से गुना किया 7x। अब हम इसे आगे हल करते हैं। देखो ये 15 इसके साथ भाग हो रहा है, इस x वाली रकम के साथ भाग हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, और यहां बच गया 10x में से 7x निकाले 3x। अगले स्टेप में देखो यहां आ गया 2 गुना 15 होता है 30, ये 3 इधर गुना हो रहा था, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग। अब 3 को 30 से काट दो तो 3 दहा 30 होता है। इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 10, x की वैल्यू कितनी आ गई है 10 आ गई है। अब हमें क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करनी है, हमें अपने उत्तर की जांच करनी है कि हमारा उत्तर सही है, जो हमने उत्तर निकाला है x बराबर 10 ये सही भी है या नहीं। आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्रश्न उतारेंगे, 2x/3+1 बराबर 7x/15+3, यही हमारा प्रश्न था, इसे हमने नीचे उतारा। अब हम x की जगह 10 लिख देंगे, तो देखो 2 गुना x की जगह लिखा 10/3+1 बराबर, इस तरफ x की जगह लिख देंगे 10, 7 गुना 10/15+3। देखो यहां तो कुछ नहीं कटता, लेकिन यहां पर ये 10 और 15 आपस में कट सकते हैं 5 के पहाड़ में, तो 5 दुनी 10, 5 3 15, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो वो आएगा 3, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना, 3 को 3 से भाग किया 1, 1 को जब ऊपर 2 दाहे हैं 20, 2 दाहे हैं 20, 1 को 20 से गुना किया तो ये आया 20+, 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को ऊपर फिर 1 से गुना किया 3। इस तरफ देखते हैं बेटा, इसके नीचे यदि कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब हम 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे, 3 और 1 का जो लघुत्तम होगा वो होगा 3, इस 3 को नीचे वाले से भाग और ऊपर वाले से गुना करेंगे, 3 3 3 को 3 से भाग किया तो आया 1, 1 को ऊपर देखो क्या है 7 दुनी 14, 7 दुनी 14, 1 को 14 से गुना किया तो हमारे पास आ गया 14। उसके बाद इस 3 को यहां नीचे वाले से भाग करेंगे, 3 को 1 से भाग किया 3, 3 को ऊपर 3 से गुना कर दो 3 3 9, ठीक है बच्चों। अब यहां देखो क्या हो गया, 20+3 कितना होता है 23/3 बराबर, इस तरफ 14+9, 14 में 9+ करो तो होता है 23 और नीचे है 3, तो देखो लेफ्ट साइड पे है 23/3 और राइट साइड पे है 23/3, ये दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड फिर से, अतः हमारा उत्तर सही है। तो इस प्रकार से हमने इस रकम को सॉल्व किया, हमारे पास x की वैल्यू आई 10 और जांच में हमने पाया कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, इसका मतलब हमने जो जो उत्तर निकाला था x बराबर 10 ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये लेक्चर समझ आया होगा।
इसके बाकी इस प्रश्न के बाकी भाग देखने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।